हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट फ्रंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं सैमसंग की तरफ से आने वाले दो नए स्मार्टफोन के बारे में। एक है भाई Z Fold 3 और दूसरा है Flip 3। तो दोस्तों, ये दोनों ही नए स्मार्टफोन की कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। कब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, क्या प्राइस होने वाली है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे और ओवरऑल ये फ़ोन की डिज़ाइन कैसी है, बिल्ड क्वालिटी, किन लोगों को ये फ़ोन परचेस करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी है, तो पूरा एंड तक के ध्यान से देखते रहना, ठीक है। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे नए स्मार्टफोन के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी है फायदे में जरूर से रहोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बताता हूं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और Flip 3 स्मार्टफोन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों देखो, इस अगस्त 2021 के अंदर सैमसंग लॉन्च करने वाला है अपने ये दो नए स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर। पहले फ़ोन का नाम है Z Fold 3 और दूसरा जो फ़ोन है वो है Flip 3। आपको पता होगा दोस्तों, सितंबर 2020 के अंदर पिछले साल सैमसंग ने लॉन्च किया था अपना Z Fold 2, जिसकी प्राइस थी दोस्तों तकरीबन $1200 की, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बताया क्या जा रहा है कि ये जो सैमसंग का Z Fold 3 फ़ोन है, इसकी प्राइस दोस्तों तकरीबन 20% कम होने वाली है Z Fold 2 के मुकाबले में। तो ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बात है, क्योंकि नेक्स्ट वर्जन अगर 20% की प्राइस रेंज से हिसाब से आपको कम में मिल रहा है तो यार ये कमाल की बात निकल करके सामने आई है दोस्तों। ओके, अभी दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तो इसकी लॉन्च डेट की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना सैमसंग का एक इवेंट होने जा रहा है जो कि होगा 11 अगस्त 2021 को। उसके अंदर दोस्तों, उस इवेंट के अंदर इसकी जो रिलीज डेट है वो दोस्तों कंफर्म कर दी जाएगी कि इंडियन मार्केट में ये दोनों ही स्मार्टफोन कब एग्जैक्टली लॉन्च होने वाले। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इसके प्राइस की। तो दोस्तों तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो इसकी जो प्राइस है ना दोस्तों, तकरीबन यहाँ पे अभी कंफर्म तो नहीं की गई है कि कितनी होगी, लेकिन दोस्तों 20% इसकी प्राइस कम होने वाली है सैमसंग के Z Fold 2 के मुकाबले में। तो आप लोग 20% जो है वो लगा लेना कितना यहाँ पे हो सकता है, तो उसके हिसाब से उतनी प्राइस आपको जो है वो आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो स्क्रीनशॉट में आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी कमाल का जो है वो फ़ोन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसका डिस्प्ले और इसके अंदर जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा दोस्तों अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन ये फ़ोन किया गया, आप लोग देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है ना आप लोग को एस पेन का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरी चीज़ पॉसिबल, इसके अंदर जो कैमरा है दोस्तों वो आ सकता है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है दोस्तों। तो ये भी चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए इसके अंदर जो है वो मिल सकता है। होल पंच फ्रंट फेसिंग कैमरा इसके अंदर जो है वो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों फ़ोन मोड के हिसाब से। और स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर आपको देखने के लिए दोस्तों इसके अंदर मिलेगा। और इसमें जो रैम है दोस्तों वो मिल सकता है आप लोग को 12 से लेकर 16 GB तक की, यानी 12 और 16 GB रैम का वेरियंट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बैटरी की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो 4380 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो कि स्प्लिट बिटवीन 225 चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। 3 कलर्स यहाँ पे जो इसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, एक है ब्लैक है, ग्रीन है और वाइट है। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों 3 कलर में इस फ़ोन को जो परचेस कर सकते हैं। ओके, बाकी चीज़ें दोस्तों जो इस फ़ोन के अंदर जो सामने निकल करके आ रही है वो तो दोस्तों इतनी ज़्यादा जो है अभी कन्फर्म नहीं है, तो उसके बारे में आप लोग को मैं अभी नहीं बताता हूँ। लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, स्पेसिफिकेशंस और बाकी सभी चीज़ें, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो अब 11 अगस्त को जो इसका इवेंट होगा उसमें इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी जाएगी, और जब ये फ़ोन लॉन्च होने वाला रहेगा तो इसकी कंफर्म जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।